मध्य बिंदु प्रमेय। अब हम मध्य बिंदु प्रमेय का अध्ययन करेंगे जो कहता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। ई को एबी के मध्य बिंदु और एफ को एसी के मध्य बिंदु के रूप में अंकित कीजिए। एबी के समांतर एक रेखा सीडी खींचिए जो बढ़ाई गई ईएफ को डी पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि ईएफ समांतर है बीसी के। त्रिभुज एईएफ और त्रिभुज सीडीएफ की तुलना करने पर कोण ईएएफ बराबर है कोण एफसीडी के, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। एएफ एफसी के बराबर है क्योंकि एफ एक मध्य बिंदु है, और कोण एएफई बराबर है कोण सीएफटी के क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः एएसए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एईएफ सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीएफ के, इसलिए ईएफ बराबर है डीएफ के और एई बराबर है डीसी के। सीपीसी डीसी के द्वारा अतः बीई बराबर एई बराबर डीसी, अतः बीसीडीई एक समांतर चतुर्भुज है यानी ईएफ समांतर है बीसी के, यह सिद्ध हुआ। साथ ही यहां ईएफ बराबर है एक बटे दो ईडी के जो कि बराबर है एक बटे दो बीसी के।